धनतेरस पर पति ने पत्नी को मारी गोलियां, हालत गंभीर। 2 साल पहले शादी हुई थी, प्रताड़ित महिला 1.5 साल से मायके में रह रही थी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना में धनतेरस की रात एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। इधर वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। मामला उचेहरा थाना क्षेत्र के अदरहार गाँव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में शुक्रवार रात करीब 9 बजे गोली चलने की वारदात से दहशत फैल गई। उमापति पटेल निवासी खजवा पन्ना ने वर्षा सिंह नाम की युवती पर गोलियां चला दी। उमापति ने एक के बाद एक 3 फायर किए। वर्षा उससे बचने के लिए भागी, लेकिन उमापति उसकी जान लेने पर आमदा हो गया। इस दौरान उसने खाना बना रही वर्षा की छोटी बहन पर भी निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन वह बच गई। वर्षा को 3 में से 1 गोली लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसी बीच ग्रामीण और परिजन वहां आ गए। इसी दौरान आरोपी दीवार कूदकर बगीचे की तरफ भाग निकला। गंभीर हालत में वर्षा को उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर उचेहरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया गया कि आरोपी उमापति घायल वर्षा सिंह उम्र 20 वर्षीय का पति है। वर्षा से उसकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उमापति उसके साथ मारपीट करता था। प्रताड़ना से तंग आकर वर्षा अपने मायके अदरहार आ गई। पिछले 1.5 साल से वह मायके में ही थी और उसने उमापति के साथ जाने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार की रात जब वर्षा अपनी माँ के साथ घर पर पुताई कर रही थी और उसकी बहन खाना बना रही थी, तभी आरोपी उमापति वहां आ गया और सीधे वर्षा पर एक एक कर 3 फायर कर दिए। वर्षा उसे बचने के लिए भागने लगी, लेकिन आरोपी उस पर एक के बाद एक फायर करता रहा। इधर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।